शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो बता मुझे बात क्या है? नाराज हो गए क्या? इस घर के लिए आप कितना करेंगे भाई? पहले वहाँ एक जरूर नारियल चढ़ाना। सही और ईमानदार आदमी को चुना। सिर्फ इन्हें इसकी शक्ल दिखानी है। माँ तौलिया देना। आई आई। माँ के हाथ से तौलिया लिए बिना इसका नहाना पूरा नहीं होता। छोटी मेरी कमीज प्रेस कर दी। हाँ हाँ बाबा कर दी है। यह तो ऐसे रह जैसे बताए बगैर करूंगी नहीं। अभी ला रही हूँ। सुबह के 9 बज गए लेकिन ये अभी तक 4 बजा रही है। रोज 4 पे आके अटक जाती है। देखो माँ भैया ने मेरे ऊपर पानी डाला। तू कोई नमक की बनी नहीं जो पानी डालते ही घुल जाएगी। अरे चल बाबूजी। हाँ ये घड़ी वक्त की बहुत पक्की है। एक बार जो वक्त बता दिया ना तो फिर हिलती नहीं वहां से। लाइए। अरे नहीं फिर तू टाइम कैसे देखेगा? बाबा मैं ठीक करा लूंगा या किसी और से पूछ लूंगा। आजकल सब लोग तो घड़ियां पहनते हैं। चलो चलो नाश्ता तैयार है आ जाओ। माँ माँ मैं नाश्ता नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे 10 बजे पहुंचना था और बहुत देरी हो चुकी है। 4 बज चुके हैं पता है। 4 मुगड़ी बंद है। पता नहीं क्या काम करता है। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया है। नाश्ता करने के लिए भी इसके पास टाइम नहीं है। एक दे देना। एक मिनट क्या जाता तेरे पास इतने टाइम नहीं है। नहीं यार एक दे देना। अरे पॉकेट में थोड़ी आता है। पैसे है क्या तेरे पास? पैसे नहीं तो क्या हुआ? एक दे देना सिर्फ एक दे। नहीं एक में क्या जाएगा तेरा? पॉकेट में थोड़ी आता है यार। क्या बेटा तुझे झंडा चाहिए? जी ये ले सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। थैंक यू अंकल। मुझे मालूम था तुम यही मिलोगे। अगले हफ्ते फाइट फिक्स कर रहा हूं। इस मुकाबले में पैसा भी अच्छा मिलने की उम्मीद है। भाभी भी आ गई। ए चुप बैठना। हेलो भाभी। हाय। क्यों ठीक ही तो कह रहा है वो? क्या ठीक कह रहा है? तुम्हारे पापा वैसे ही हमारा मिलना जुलना पसंद नहीं करते और जब से उन्हें पता चला है कि मैं क्लब में भी डांस करता हूँ तब से तो। क्लब में गाते हो तुम घर चलाने के लिए, फाइट करते हो घर चलाने के लिए, सेल्समैन बने हो घर चलाने के लिए। तुम मेहनत करते हो, भीख नहीं मांगते। आज मैं भी तुम्हारे साथ गाऊंगी क्लब में। क्या बात है माँ? कुछ नहीं बेटा सो जा। माँ की आंखों में नींद की जगह आंसू और बेटा सो जाए ना। माँ तू बता मुझे बात क्या है? बेटा माँ बाप का फर्ज है कि औलाद को आराम दे, मगर मैंने तो तुम्हें सिर्फ परेशानी और तकलीफें दी है। कैसी बातें करती है माँ? तूने मुझे जन्म दिया है और पिताजी ने एजुकेशन, और अब मैं बच्चा नहीं रहा बड़ा हो गया हूँ, इसलिए घर की हर परेशानी और तकलीफ दूर करना मेरा फर्ज है। अब बता तकलीफ क्या है? बेटा तू तो जानता है तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती, दिन ब दिन उनकी सेहत गिरती जा रही है और छोटी अब छोटी नहीं रही, जवान हो गई है, उसकी शादी करनी है, यही चिंता मुझे सताती है। बस माँ इतनी छोटी सी बात पर इतने कीमती आंसू बहा रही हो। अरे मैंने डॉक्टर से बात भी कर ली है और अगले हफ्ते ही पिताजी को चेकअप के लिए लेके जा रहा हूँ। और रही बात छोटी की, तू उसकी चिंता छोड़ और उसके लिए अच्छा सा लड़का ढूंढ, फिर देख कितने धूमधाम से मैं उसकी शादी करता हूँ। धूमधाम तो छोड़, आजकल सीधी सादी शादी के लिए भी 1-1.5 लाख खर्च हो जाते हैं, कहाँ से लाएगा इतने सारे पैसे? पैसे अरे अपनी कंपनी से एडवांस ले लूंगा या दोस्तों से उधार मांग लूंगा। और तब भी नहीं हुआ तो भी तू चिंता मत कर माँ, ये 20वीं सदी है, आजकल गरीब से गरीब आदमी भी कम से कम लखपति होता है क्योंकि उसके पास ये कीमती शरीर है। अरे माँ अगर मैं अपनी एक किडनी भी बेचू ना तो भी छोटी की शादी हो जाएगी। अजय जिस माँ के पेट से इतना बड़ा शरीर मिला हो उस माँ के लिए अपने पेट से मैं एक किडनी नहीं दे सकता? मर थोड़ी ना जाऊंगा माँ। बोल आज क्या नई मुसीबत आन पड़ी है? हम लोगों की जिंदगी में एक ही तो मुसीबत है, रोटी, और उसके लिए पैसा चाहिए और मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। बहुत सारा पैसा? एक आइडिया देता हूँ, ये नुक्कड़ पे बैंक है ना लूट ले। तेरा मतलब है घर वालों को मुसीबत में डालकर खुद अंदर बढ़ जाऊं? दोस्त मुझे पैसा चाहिए लेकिन ईमानदारी का, घर पे राशन भरना है, छोटी की फीस, दूध वाले का बिल। अच्छा बाबा मैं आज रात को ही तेरी फाइट फिक्स करता हूँ। ओके ओके चल अजय चौहान तू भी कपड़े बदल ले। अरे क्या कर रही
तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार। दो दिन से मिली क्यों नहीं? पूजा, मुझे एक जरूरी काम से बात। चले जाना, कम से कम दो मीठी बातें तो करते जाओ। मैडम, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि बातों से पेट नहीं भरता, उसके लिए काम करना पड़ता है, काम। और मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ कि जिंदगी सिर्फ काम करने के लिए नहीं है, थोड़ा प्यार भी करना बहुत जरूरी है। मानता हूँ, लेकिन अगर काम नहीं करूँगा तो पैसे कैसे कमाऊंगा? पैसे की चिंता मत करो अजय, तुम अच्छी तरह जानते हो कि लाख दो लाख बैंक से निकाल कर तुम्हें देना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन तुमसे पैसे लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं अपने परिवार को अपनी मेहनत से कमाई हुई रोटी खिलाना चाहता हूँ, किसी के तोहफे या। ए, नाराज हो गए क्या? नहीं। तो बताओ फिर कब मिलोगे? तुम मेरा युद्ध देखने आ रही हो शाम को? ये भी कोई पूछने की बात है? तो फिर वही मिलेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो अब तक सोई नहीं? तेरे घर लौटने से पहले आज तक कभी सोई हूँ? इतनी देर कहाँ लगा दी? चल आजा। आज काम बहुत ज्यादा था माँ, इसलिए थोड़ा ओवरटाइम करना पड़ा। अजय, थोड़ा कम काम किया कर बेटे, देख तो रात के 2 बजने को आए, फिर सुबह उठकर तो 7 बजे काम पर निकल जाएगा, इस तरह तो तेरी सेहत खराब हो जाएगी बेटा। बाबूजी, कंपनी के ऑर्डर भी तो पूरे करने ही पड़ेंगे। बस बस, अब बातें मत कर, चल खाना खा ले। अरे इसे क्या हो गया, इतने गुस्से से क्यों देख रही है? माँ से मिल ली है और बाबूजी से भी बात कर ली, मगर अपनी छोटी बहन के बारे में झूठे मुंह भी पूछा कि कहाँ है वो? बस बस बस, लड़ाई झगड़ा सवेरे, दिन भर का थका घर आया है, जल्दी खाना खा के सो जाने दे। आज भैया को खाना मैं दूंगी, आओ भैया।
मैं खा लूंगा, तू जाके सो जा। मेरी चिंता मत करो भैया, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। चलो जल्दी खाओ। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं। दिखाओ दिखाओ। कुछ नहीं हुआ। अरे दिखाओ तो सही। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं हुआ। मैं कहती हूँ दिखाओ। भैया ये हाथ इतनी बुरी तरह से कैसे कट गया? छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। मैं जानती हूँ आप कंपनी में सेल्समैन नहीं बल्कि किसी ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ आपको अपना खून तक बहाना पड़ता है। इस घर के लिए आप कितना करेंगे भैया? सिर्फ इस घर के लिए ही नहीं, ये सब मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि तुझे भी इस घर से निकालना है, किसी ऐसे घर भेजना है जहाँ बहुत सुख मिले तुझे। नहीं भैया, वो सुख वो खुशियाँ जो आपको दर्द देके मिले मुझे नहीं चाहिए। ए छोटी, रो रही है? मैं आपके लिए और तो कुछ नहीं कर सकती भैया, कम से कम आंसू तो बहाने दो। ये लो। भैया आज आपको मुझसे एक वादा करना होगा, चाहे कितना ही दर्द हो कितनी ही तकलीफ हो, सिर्फ मैं रोऊंगी आप नहीं। ले लो। ए माँ। क्या है? इधर आना। अरे बताओ तो सही। इधर तो आ। क्या है बताओ? बैठ बोल। आज तारीख कितनी है? तारीख 13। और महीना? जुलाई। क्यों? क्या माँ मैं भूल गया, लेकिन तुझे तो याद रखना चाहिए कि आज 13 जुलाई है, यानी कि तेरा जन्मदिन। अरे अरे हाँ, आज तो माँ का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे। चुप। याद कुछ रहता नहीं है, गाना वाना शुरू कर देती है। लास्ट शक्कर का डब्बा दे। ये लो। मुंह मीठा कर माँ। बस बस बस, मेरा मुंह तो मीठा किया, अभी तेरा भी कर। क्यों क्यों क्यों? इसलिए कि शहर की जिस कंपनी में तू काम करना चाहता था ना, वहां से तेरा इंटरव्यू लेटर आ गया है, कल तुझे उन लोगों ने बुलवाया है। कल के कल? इसका मतलब मुझे आज शाम की गाड़ी से निकलना पड़ेगा। हाँ बेटा, निकलना तो तुझे शाम को ही पड़ेगा। छोटी क्या है? बैग में 2 जोड़ी कपड़े डाल के रखना, मैं गोपाल को भेजूंगा, उसके हाथ भिजवा देना। ओके। बस जब देखो तुम्हें तो काम ही बताना आता है, पर क्यों करूं मैं तुम्हारा काम? अच्छा मेरे लिए वहां से क्या लाओगे? अगर मुझे नौकरी मिल गई तो जो तू मांगेगी वो लाके दूंगा वहां से। बोल क्या चाहिए तुझे? तुम कह रहे थे ना कि मुझे इस घर से निकालना चाहते हो। ऐसे थोड़ी ना निकलूंगी इस घर से। देखो मुझे एक अच्छा सा शादी का जोड़ा लाकर देना और मेहंदी के पैकेट और ढेर सारी चूड़ियाँ। माँ मैं इस हाथ में भी चूड़ियाँ पहनूंगी और इस हाथ में भी चूड़ियाँ पहनूंगी। बेशरम, अपनी शादी की बात करते हो तुझे शर्म नहीं आती? सुन बेटा जल्दी कर वरना तुझे देर हो जाएगी। और सुन, वहाँ एक दुर्गा माता जी का मशहूर मंदिर है, इंटरव्यू में जाने से पहले वहाँ एक जरूर नारियल चढ़ाना। चेहरे पे खराशी कैसी? कहीं झगड़ा वगड़ा करके आए हो? नहीं सर, कल एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। आई सी। सर ये मेरे सर्टिफिकेट्स और ये मेरी डिग्री से। ये तो ठीक है, लेकिन साथ में सिफारिश किसके लिए क्या है? सिफारिश? हाँ सिफारिश। सर मेरे पास किसी की सिफारिश नहीं है। अच्छा, पैसे कितने हैं तुम्हारे पास? जी देखो भाई, मैं ठहरा सीधा आदमी, घुमा फिरा के बात कर नहीं सकता। तुम्हें नौकरी देकर मुझे क्या फायदा होगा? हाँ, इस कुर्सी पर बैठकर कल को तुम भी तो लाखों कमाओगे। सर मैं उतना ही कमाऊंगा जितनी मेरी तनख्वाह होगी। तनख्वाह तो तुम्हें तब मिलेगी जब मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। ना सिफारिश है ना पैसे हैं, और तुम खैर कोई बात नहीं, घर में कोई बहन वहन है तुम्हारी? हरामजादे, अगर बाहर 10 बेरोजगार लड़के नहीं बैठे होते जिनमें से एक को नौकरी देगा तू, तो इसी वक्त तेरा तमाशा बना देता। तूने ये कुर्सी अपनी बहन की दलाली करके हासिल की होगी, लेकिन हम गरीब लोग ऐसी कुर्सी पर थूकते हैं, समझा? सुनो, कल से काम पर आ जाना, हैरान होने की जरूरत नहीं, मैं तो तुम्हें सिर्फ आजमा रहा था। आई एम सॉरी अजय, मैंने तुम्हें कुछ कड़वी बातें कही। ये सिफारिश, ये रिश्वत बहुत छोटी बातें, ऐसी जगहों को पाने के लिए लोग तो अपनी बहनों की दलाली तक भी करते हैं। बट आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी कि मैंने एक सही और ईमानदार आदमी को चुना। थैंक यू वेरी मच सर। माँ ने कहा था मंदिर जरूर जाके आना।
तेरा लाख लाख शुक्र है माँ कि तूने मुझे ये नौकरी दिलाई। माँ ने कहा था कि इंटरव्यू पे जाने से पहले आपके दर्शन जरूर करूं, मगर भूल गया। अब यहां से ये नारियल लाया हूं। क्या बोली था? नहीं जानता सर। इस जगह को पहचानते हो? सर आप किस जगह की बात कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं जानता। नहीं सर। पहचान इसे? मैं कह चुका हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। आप लोग जबरदस्ती मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आइडेंटिफाई करवाना चाहते हैं। नो आई विल नॉट अलाउ इट। प्लीज डॉक्टर, प्लीज डोंट शाउट। दिस इज नॉट योर पुलिस स्टेशन, दिस इज एन हॉस्पिटल। प्लीज डॉक्टर, प्लीज, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते अपने पेशेंट की जिंदगी बचाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। देखो देखो इन तीनों लड़कियों को, वो लड़की कोमा में है और ये दूसरी अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है, और ये ऐसी हालत में नहीं है कि आपके किसी सवाल का जवाब दे सके। डॉक्टर, मैं किसी किस्म के कोई सवाल आप नहीं पूछना चाहता हूँ, सिर्फ इन्हें इसकी शक्ल दिखानी है। डॉक्टर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, हमें इसे कल कोर्ट में ले जाना है। ओके, थैंक यू डॉक्टर। शीतल, 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 इस लड़के की तरफ देखो और बताओ क्या यही वो लड़का है जिसने तुम्हारा बलात्कार किया था? शीतल देखो इसे, पहचानो इसे, पहचानो, डरना मत, बताओ, हमें बताओ। शीतल आके खोलो, प्लीज प्लीज आप बाहर जाइए, प्लीज। बस डॉक्टर, बस सिर्फ एक बार। और क्या जानना चाहते हैं आप?
जिस लड़के की सूरत देखते ही ये लड़की कांपने लगी है, पागलों की तरह रोने लगी है, इसका क्या मतलब निकालते हैं आप? नहीं डॉक्टर, मैं निर्दोष हूं डॉक्टर, प्लीज प्लीज बहन मेरी तरफ देखिए और पहचानने की कोशिश कीजिए, मुझे इन्हें बताइए कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। बस अब आइडेंटिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, ले चलो सर। नहीं डॉक्टर, नहीं डॉक्टर, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, मैं वो लड़का नहीं हूं, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मुझे एक मौका दीजिए उस लड़की से बात करने का, मैं साबित कर दूंगा कि मैं वो नहीं हूं, मैं निर्दोष हूं। बस बस बैठ जा, प्लीज बैठ जा, प्लीज बैठ जा, मुझे एक बार उस लड़की से बात करने दीजिए, प्लीज बैठ जा। क्यों मास्टर जी, कुछ पता चला अजय कौन सी जेल में है और कब छूट रहा है? ऐसे आदमी को तो सबके सामने गोली मार देनी चाहिए। अरे ऐसे बेटे का पता लगाने की जरूरत ही क्या है, इस उम्र में बाप को मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा। सच कहते हो दीनू काका, अगर मेरा बेटा होता तो गला घोट कर मार देती उसे। आइए ना डॉक्टर, अंदर चलिए। पार्वती आ गए मेरा बेटा। पार्वती मैं डॉक्टर साहब को लाया हूँ। मुझे डॉक्टर की नहीं, मेरे बेटे की जरूरत है, अब पुलिस स्टेशन जाकर उसका पता तो लगाइए। अरे अब जल्दी नहीं छूटने वाला वो पार्वती, बहुत लंबी लगी है उसे, जल्दी नहीं निकलेगा। छोटी जाके वो दरवाजा भी बंद कर दे। डॉक्टर भाई सच पूछो तो दुख भी होता है उस बेचारे के लिए, तीन तीन मासूम लड़कियों की जिंदगी उसने बर्बाद की है, इंसाफ से तो उसे सजा होनी ही चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन उसकी हिम्मत तो देखो, जिसके घर में ऐसी जवान बहन हो उसे कम से कम ऐसी नीच हरकत करते हुए शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए। हेलो लड़कियों कॉलेज के बाहर दादागिरी करता है, चला था। ए, क्या देखता है, क्या देखता तू, मेरे को देखता है, हाय, चल, ले ले जा। किससे किस तरह बात की जाती है ये तक आप नहीं जानते, इस तरह से बात करते हैं आप शरीफ और इज्जतदार लोगों से? अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए मैं एक स्कूल मास्टर हूँ, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना मेरा फर्ज बनता है, और आप लोग जो इल्जाम मेरे बच्चे पर लगा रहे हैं ना वो बेबुनियादी है, झूठा है। साले खुद बेटी का धंधा करता है और अच्छी शिक्षा देने की बात करता है। देखिए आप हमें इस तरह जलील ना करें, हम अपने अजय को अच्छी तरह जानते हैं। हाँ जानता हूँ, तेरे कमरे से भी 10 गैलन दारू मिली है, और हाँ अगर वो कल सुबह तक यहाँ पर हाजिर नहीं हुआ ना, तेरा वो हाल करूंगा कि मोहल्ले में शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। इंस्पेक्टर मेरे घर वालों को छोड़ दे। छोड़ दूंगा कोर्ट के फैसले के बाद। इलाज 13 तारीख की शाम चेतना कॉलेज के रिहर्सल हॉल में तीन मासूम लड़कियों का वैश्याना तरीके से बलात्कार हुआ। वो बलात्कार किसी और ने नहीं बल्कि इस लड़के ने और इसके दो साथियों ने मिलकर किया, और इस बात को साबित करने के लिए मेरा सबसे पहला गवाह है इंस्पेक्टर विजय शर्मा। इंस्पेक्टर विजय जब आप मुलजिम को लेकर अस्पताल पहुंचे तो वहां क्या हुआ? सर बलात्कार की शिकार शीतल डोगरा मुलजिम को देखते ही पागलों की तरह चिल्लाने लगी, उसे देखकर इतनी घबरा गई कि रोने लगी चिल्लाने लगी। जज साहब वो पहचान नहीं पाई मुझे, और उसने ये नहीं कहा कि मैं ही वो लड़का हूं। ठीक है उसने ये नहीं कहा, मगर क्या वो लड़की तुम्हें देखकर पागलों की तरह रोने लगी, ये सही है? जी हाँ। पॉइंट बी नोटेड मी लॉर्ड। अब मेरा दूसरा गवाह है मिस्टर जेटली। मिस्टर जेटली जिस दिन कॉलेज में यह हादसा पेश आया क्या आप वही थे?
जी हाँ, मैं उस कॉलेज का कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफिसर हूँ और अक्सर काम के सिलसिले में मुझे वहां जाना पड़ता है। उस दिन भी मैं वहां मौजूद था। तो क्या आप विश्वास कह सकते हैं कि आपके कॉलेज में तीनों लड़कियों का बलात्कार करने वाला कोई और नहीं यही लड़का है? बिल्कुल, जब ये लड़का और इसके दोनों साथी बलात्कार करके भाग रहे थे तब मैंने इसे बहुत करीब से देखा था। ये झूठ है जज साहब, ये झूठ बोल रहा है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, तुम्हें अपनी सफाई में बोलने का मौका दिया जाएगा। मिलॉर्ड, मैं अपना आखिरी और अहम गवाह पेश करना चाहती हूँ, चेतना कॉलेज की प्रिंसिपल मिसेस प्रतिभा जेटली। मिसेस प्रतिभा जेटली, क्या आप अदालत को बताएंगी उस दिन क्या हुआ? जज साहब, मेरी तीनों स्टूडेंट्स रिहर्सल हॉल में बैठ के एक ड्रामे की रिहर्सल कर रही थी, अचानक तभी मुझे किसी की चीख सुनाई दी। झूठ है जज साहब, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। मिस्टर अजय, इस औरत ने तुम्हें मंदिर में देखकर शोर मचाया जिसकी वजह से तुम गिरफ्तार हुए। इससे पहले तुमने इस औरत को कभी देखा है? नहीं जज साहब। क्या इस औरत की तुम्हारे साथ जाति दुश्मनी है? नहीं नहीं सर। तो फिर ये बार बार तुम्हारा नाम क्यों लेती है? मैं इस अदालत से दरखास्त करूंगी कि ऐसे मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि कोई दूसरा ऐसा घिनौना काम ना कर सके। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। तमाम गवाहों और सबूतों की रोशनी में ये साबित हो चुका है कि मुलजिम अजय ने और उसके दो साथियों ने मिलकर बलात्कार किया है। जो संगीन जुर्म मुलजिम ने किया है उसके लिए कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। नहीं जज साहब, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। लेकिन कानून की बंदिशों ने मेरे हाथ बांध रखे हैं, इसलिए दफा 376 दादे राते हिंद के तहत ये अदालत मुलजिम अजय को 7 साल बामुशक्कत की सजा देती है। शिवावर मोहे शुभ कर मन से कभू ना हटूं, ना डरूं बैरी सौ जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं।